आज मैं बनाने चल रही हूँ करारी भिंडी, जिसको आप लोग खाओगे तो लगेगा कि हमने पहले क्यों नहीं खाया। जिन्होंने नहीं खाया है, जो खाए हैं उन्हें तो पता है। ये देखिए, इस तरीके से मैं लंबा लंबा कट लगाऊंगी, रखती जाऊंगी। जैसे बड़ी भिंडी है तो उसको क्या करें, लंबा सा कट लगा के इसको चार पार्ट में कर लें। देखिए इस तरह। गिर रहा है, ये देखिए लंबी भिंडी है। चेक भी हो जाता है कोई कीड़ा तो नहीं है। और इस तरीके से ये देखिए, ये पत्ती आप लोग पहचान रहे हैं, ये पत्ती कभी भी किसी सब्जी में हो खाना मत। ये भांग है, ये भांग की पत्तियां हैं, नशा कर देगा। मैं काट लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। कॉर्नफ्लोर डस्ट करेंगे अपन। तो भाई ऑयल चढ़ा देते हैं कढ़ाई। तो ऑयल गरम हो गया है, खूब तेज गरम करना है अपने को। उसके बाद में एक दो डाल के चाहे चेक कर लीजिए पहले, और भिंडी को डाल दिया और फुल फ्लेम पे, आग को कम मत करिए। आज ये एकदम होटल वाली भिंडी बन रही है, करारी भिंडी, जो कि आप कुछ ही जगहों पे आप खाओगे। मैंने भी पहली बार इसको खाया था नासिक में, यानी वहाँ हम लोग गए थे त्र्यंबकेश्वर। हो गया है, देखिए लाल हो गया ना, निकाल लेते हैं। और डाल देते हैं इसको, खूब गर्म हो जाने दें, थोड़ा सा एकदम गर्म हो जाए ज्यादा, तब डालते हैं। फ्लेम फुल है, बस इसी तरह से सारा हम फ्राई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरी कढ़ाई हमने चढ़ा लिया है, भिंडी को सारा तल लिया है। इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के हरी मिर्च को डाल दिया है, इसको भी हल्का सा लास्ट में जो कॉर्नफ्लोर बचा था उसी में डस्ट कर लिया है। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। लहसुन काट के डाल दे रही हूँ छोटे छोटे। लहसुन भिंडी में अच्छा रहता है, बादी कम करता है, और हींग दोनों भिंडी में ज़रूर डालिए, उससे टेस्ट भी बढ़ता है और हमारे पेट के लिए भी ठीक रहता है। हल्का सा भुन जाए, इसके बाद इसमें हम डाल लेते हैं मसाले। मसालों में सबसे पहले हम हल्दी डाल लें। गैस को एकदम फ्लेम को कम कर दें। ये धनिया जरा जरा डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच। जरा सा हींग डाली हूँ,
लाल मिर्च, नमक। अब इसे बहुत थोड़ा सा ही भून के इसके बाद जो हमने भिंडी को फ्राई करके रखा है, डीप फ्राई करके, उसको डाल देंगे। ये कभी कभी बना के करारी भिंडी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। 10 दिन 15 दिन में, महीने में कोई बनाना चाहे तो ज़रूर बनाए, क्योंकि काफ़ी इसको डीप फ्राई करते हैं तो। लेकिन जिसको ऑयल से परहेज नहीं है वो खूब बना के खा सकता है। लेकिन बहुत ही करारी होती है, बहुत टेस्टी होती है, कभी कभी तो चलता है। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा, क्योंकि मसाला भी हुआ है, भिंडी भी पकी हुई है, इसको बस एक तरह से मिलाना है हमें, इसको ढकना नहीं है, नहीं तो इसको करारापन थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसको बस ऐसे ही चलाते हुए थोड़ी देर तक भून लेंगे। इसमें जो भी ऑयल अगर होगा तो वो रिलीज़ हो जाता है नीचे, इसके बाद आप सर्विंग बोल में निकालोगे तो ऑयल नीचे रह जाता है। वैसे कॉर्नफ्लोर के नाते ज़्यादा ऑयल नहीं पीता है ये। ये लीजिए हमारा भुन गया है ज़रा सा बस, और ये देखिए नीचे इसका जो भी ऑयल था बाहर निकल गया है। बस बढ़िया भिंडी हमारी करारी तैयार है, आइए अब सर्व कर लेते हैं। ऊपर से ज़रा सा अमचूर या चाट मसाला, हल्का सा चटपटा फ्लेवर के लिए आप डालिए, इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। हल्की सी खटास होगी तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। बस मिला दिया, आइए निकाल लेते हैं हम सर्विंग बोल में। आ गई मैं विभू को लेने स्कूल, अभी मैं यहीं टहल रही थी थोड़ा सा। बच्चों को देखिए इधर, छोटे बच्चों खेलने के लिए लगा है झूला वगैरह। ये पीछे का पोर्शन है बड़ी, ये छोटे बच्चों के खेलने के लिए लगाया था। इसके अंदर क्रिकेट की और सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। इतनी सारी तो गौरैया उसमें खेल रहे हैं। अभी पेरेंट्स इतने ज़्यादा नहीं आए हैं, थोड़ा सा टाइम है, एक दो लोग आ गए हैं इधर से, आगे कुछ लोग आके वो जो स्कूल के जो वैन हैं उनके ड्राइवर्स हैं वो सब आके बैठ गए पहले, अभी पेरेंट्स नहीं आए। मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ आज, मैं एक्चुअली सो गई थी, जस्ट अभी स्कूल पहुँची हूँ अभी। हालाँकि यहाँ पर नहीं लग रहा है कि लेट हो रहा है, लेकिन मुझे लगा कि शायद लेट हो गया, हड़बड़ाहट में उठ के भागी हूँ जल्दी से। आज मैं ऐसे ही जल्दी आ गई, बिंदी भी नहीं लगाई हूँ, बस उठ लेट गई थी, थोड़ा सा नींद जैसे लग गई, और देख रही हूँ बिंदी निकल गई है और उठ के मैं बस भाग आई। मुझे लगा लेट हो रहा है, जल्दी भाग के आ गई। लेकिन यहाँ देख रही हूँ कभी ज़्यादा लोग नहीं आए, पेरेंट्स नहीं आए हैं, अब बच्चे अभी क्लास में ही हैं, बस आने वाले हैं, बस लेके फिर चलती हूँ। बिबू नहीं आए, पता नहीं सारे बच्चे आज यहीं पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहीं पे भर रहे हैं, पता नहीं बिबू अभी तक क्यों नहीं आए। सब बच्चों की वैन आज यहीं लगी हुई है, बाहर नहीं लगी है, यहीं सब आके नीचे बैठ रहे हैं, बिबू का था पता नहीं है। तो अभी एक मैम ने बताया कि जो बच्चे
टवेरा से या ट्रांसपोर्ट से जाते हैं उनकी व्यवस्था इधर कर दी गई, पीछे के साइड में जो पेरेंट्स आते हैं लेने के लिए उनकी व्यवस्था की गई है। तो मुझे पीछे से लेना पड़ेगा, ले के चलती हूँ, उसके बाद खाना पीना खाएंगे तुरंत क्योंकि हमें कोचिंग भी भेजना है। तो फिर मिलती हूँ कोचिंग भेजने के टाइम। ये लीजिए तैयार हो गए हैं, ये कोचिंग दोनों लोगों को छोड़ने चल रही हूँ मैं, छोड़ के अभी आती हूँ। हाँ न्यू बॉटल चल। रवि नहीं आ रहे, इधर रख दो। अभी नहीं आया, इधर खड़े हैं हम लोग, रवि आने वाले हैं अभी। क्या टाइम हुआ है अभी? फिर तो अभी जल्दी तो है ही है। मुझे 3 बजे पहुंचना है, 3 बजे क्लास चालू हो जाएगी, उनकी 3:40 पे होगी। आ गए रवि, हर जाओ आते हैं, इधर खड़ा करता है। स्पाइडरमैन ये स्पाइडरमैन लेट आए हैं। वो होता होगा, वो चलती है ना। हम देख रहे हैं एलेन की बिल्डिंग से पूरा सिटी कैसी दिख रही है। सबसे ऊपर देखोगे ना, सबसे ऊपर खड़े होके ऊपर वाले फ्लोर में ज्यादा मजा आएगा। नीचे कचरा है और एक डॉग लेटा हुआ है। मुझे नीचे देखना है, मेरा सर घूमता है। वो डॉग हमें हिरण जैसा दिखता है। वो डॉग हिरण जैसा। उधर क्लास में छोड़ दिया है गुड्डा को, उनके छोड़ दिया। अब मैं अपने चल रही हूँ योगा सेंटर। आज कई दिन 3-4 दिन बाद जा रही हूँ, योगा ही नहीं कर पा रही हूँ। घर पे रहते हैं तो फिर वही डर लगा रहता है कि पता नहीं कहाँ जाके नीचे अकेले खेलने लग जाते हैं, इस चक्कर में नहीं जा पाती। तो चलो योगा चलते हैं।